हेलो व्यूअर्स, आई एम राजेंद्र कुमार एंड यू आर वॉचिंग योर ओन चैनल गेटवे टू इंग्लिश। आज फिर एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ हम रूबरू हो रहे हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ आईएनजी, कॉन्सेप्ट ऑफ आईएनजी। इस वर्ड के बारे में मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। इसको हमने क्या बोलना है, आओ आओ या ओ ओ, व साउंड से बोलेंगे, ऑफ नहीं बोलेंगे इसको। यदि आप इसको ऑफ बोलते तो गलत हो जाएगा आपका। यदि ओ एफ एफ होता तो ऑफ है, यदि सिंगल एफ के साथ है तो ओव ओव है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आई एन जी का कॉन्सेप्ट है। वर्ब में जब हम आई एन जी जोड़ देते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है, उसके कुछ नियम है। उन नियम में से आज जो है एक पहला नियम हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो है चार पांच वीडियोस बनाएंगे, पार्ट वाइज बनेगी ये। आप सभी वीडियोस को देखोगे तभी आपको ये आई एन जी का कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। आज पहली वीडियो आ रही है, इसको ध्यान से देखना, समझना और लाइक करना, शेयर करना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखो वर्ब के एंड में जब ई आ जाए, ई लास्ट में, देखो टेक ई है, मेक ई है, बेक ई, केयर, फायर, राइट, टाइट, लाइट, बाइट, शेयर। देखो जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं सभी की एंडिंग जो है ई से हो रही है, ठीक है। तो ई वाली एंडिंग वाला कोई वर्ब आपके पास आ जाए तो आई एन जी इसमें जोड़ते समय आप ध्यान रखोगे ई को काट कर फिर आई एन जी प्लस करना है। जब तक आप ई को डिलीट नहीं करोगे तब तक आई एन जी जो है इसके साथ जुड़ेगा नहीं, ये मान लेना आप बात। छोटी सी मैं बात बता दूं, यदि मान लो किसी आपने बर्तन में जो है बोतल में दूध डालना है, ठीक है, तो उसका पहले जो ढक्कन है वो उतारना पड़ेगा, फिर उसमें दूध डालेंगे तो चला जाएगा अंदर। कैप उतारे बिना यदि आप दूध डालने की कोशिश करोगे तो दूध आपकी बोतल के अंदर नहीं जाएगा। इसी तरह से जब तक आप आई को डिलीट नहीं करोगे तब तक आई एन जी उसमें प्लस नहीं हो सकेगा, ठीक है। हम भारतीयों के लिए जो आई एन जी है ये बहुत ही हेल्पफुल रहा है भारतीयों के लिए, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है तो वो बस आई एन जी लगाएंगे एंड अंग्रेजी बनाएं। धर्मेंद्र की तरह से प्रतिज्ञा फिल्म में जैसी बनती है उसी तरह से हम भारतीय आई एन जी के साथ ही अंग्रेजी जो बनाते रहते हैं। लेकिन ये जो वीडियोज आप देखोगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, सही ढंग से आप आई एन जी जोड़ पाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर ठेक है, ठेक इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठेक ठेक, ई हटा दिया मैंने और आई एन जी इसमें यहाँ पर ये प्लस हो गया, आपका क्या बन गया ये ठेकिंग। इसी तरह से मेक, मेक में से ई को डिलीट कर दिया, आई एन जी प्लस हो गया तो बन गया मेकिंग। इसी तरह से बेक, बेक में ई है, ई हटाया और आई एन जी जोड़ दिया, क्या बन गया बेकिंग। देन केयर, केयर केयरिंग, जो आर का कंसेप्ट था यदि नहीं देखा वो वीडियो आप देख लेना, ठीक है, उससे उसी के संबंध में थोड़ी सी बात मैं यहां ऐड कर रहा हूं। देखो मैंने ये वर्ड वहां पर बताया था केयर और एक वर्ड बताया था फायर, फायर उसमें आर को हमने जो है साइलेंट किया था, ठीक है। लेकिन यहां पे जब हम आई एन जी इसमें जोड़ देते हैं, देखो केयर केयर, जब मैं केयर बोल रहा हूं तब आर जो है साइलेंट है, केयर अ पे मैंने शब्द को खत्म कर दिया। लेकिन जब मैंने ई को हटा के आई एन जी प्लस कर दिया इसमें तो फिर मैं इसको जो कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूं, केयरिंग केयरिंग, र को मैं बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, आर वाला जो कंसेप्ट है दो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट की हुई है, नहीं देखा तो देख लीजिएगा वो वीडियो, ठीक है। यहां भी मैं थोड़ा बता देता हूं क्योंकि यहां पर आर के बाद वाउल साउंड आ गई ना, ई आ गया, ई ई, इस वजह से आर जो है प्रोनाउंस हो गया, साउंडेड हो गया, केयरिंग केयरिंग, ओके। देन फायर, फायर वर्ड में आर साइलेंट है पर ई हटा के हमने आई एन जी प्लस कर दिया, अब यहां पर आर के बाद कोई साउंड नहीं थी, ये लास्ट में था इसलिए आर साइलेंट रह गया, लेकिन यहां पर आर बीच में है और आर के तुरंत बाद ई साउंड हो गई है इसलिए आर यहां पे साउंडेड हो गया, तो ये क्या बन गया फायरिंग,
फायरिंग ओके देन इधर देखिए राइट राइटिंग अब इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं ठीक है आप भी सोचना आप जो राइटिंग स्पेलिंग क्या लिखते हो और कितनी बार आपने यहां पर टी 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 दो बार लिखा है बहुत बच्चे लिख देते हैं ऐसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इसमें जो है ई काटा हमने ई काट के आई एन ई जोड़ दिया तो टी टी यानी के दो बार टी होने का तो कोई मतलब नहीं रह जाता इसमें इस नियम के अकॉर्डिंग ठीक है एक और बात बता देता हूं टी टी इसको हम यदि यहां पर टी किसी वर्ड में लिखते हैं जैसे रिटर्न में आता है ना रिटर्न रिटर्न में देखो इसमें टी टी मैंने दो बार लिख दिया टी टी ठीक है आमतौर पर हम इसको बोलते हैं डबल टी ठीक है लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए इंग्लिश के नियम के ये उल्ट है बात यदि ये दो बार लिखा है तो इसको ऐसे बोलेंगे टी टी दो बार अलग अलग जो है सिंगल सिंगल करके ही बोलना सही माना जाता है यदि आप इसको डबल बोलते हो ऐसे ही किसी भी लेटर को तो आज के बाद डबल नहीं बोलना इसको सिंगल सिंगल करके बोलना है ठीक है नेक्स्ट वर्ड देखिए बाइट लास्ट में ई आया जब मैंने आई एन ई जोड़ा तो ई काट दिया ई काट के आई एन ई प्लस कर दिया ठीक है तो ये क्या बाइट बाइटिंग ठीक है ऐसे ये वर्ड देखो इसमें ई है लाइक लाइकिंग ठीक है इसमें भी मैंने ई काट के आई एन ई प्लस कर दिया है ठीक है ये हो गया लाइकिंग इसी तरह से टाइप टाइपिंग ई काट के आई एन ई प्लस कर दिया ये हो गया टाइप टाइपिंग प्रोनंसिएशन का भी हम ध्यान रखेंगे तो इसी तरह से जो है ये सारे वर्ड्स कवर हो गए हमारे और लास्ट में वर्ड है देखो शेयरिंग शेयर शेयरिंग शेयर यहां पर आर में साइलेंट कर रहा हूं बिल्कुल शेयर अ पे रुक गया क्यों रुका क्योंकि आर ई लास्ट में आ गया वर्ड के आर ई साइलेंट होता है ठीक है आर का जो कंसेप्ट है आर का टूर हमने पहले किया है उसको देख लेना ध्यान से दोनों वीडियोज को ठीक है तो शेयर शेयरिंग इस तरह से ये नियम पहला है कि यदि किसी वर्ब के एंड में अंत में ई आ जाए तो ई को काट करके आई एन जी प्लस करेंगे जब भी आई एन जी प्लस करना है जोड़ना है इसमें ऐड करना है ई को काट के ही जोड़ेंगे हम क्लियर और एक छोटी सी बात मैं यहां पर बता देता हूं देखो ये वर्ड है इसमें भी ई है लास्ट में ठीक है लेकिन यहां पर आप देखिए ना दो बार ई है एस ई ई ध्यान से देखना एस डबल ई नहीं बोला मैंने एस ई ई आपसे भी उम्मीद करता हूं ऐसे बोलोगे ठीक है तो यहां पर मैंने ई को नहीं काटा सीधा सीधा आई एन जी प्लस कर दिया है क्योंकि यार ये अलग नियम है इसमें क्या है देखो यदि किसी वर्ब के एंड में दो बार ई आ जाए फिर ई जो है बच जाता है ठीक है फिर आई एन जी सीधा सीधा जुड़ जाता है इसकी पावर डबल हो जाती है भाई ठीक है एक को एक प्लेयर है एक है अकेला कमजोर है ठीक है उसको कोई भी मार देगा जब वो दो हो गए बोलते हैं ना एक और एक 11 हो जाते हैं इस तरह से जब ये दो बन गए फिर आई एन जी को हरा देते हैं ये ठीक है कटता नहीं है ऐसे का ऐसे आई एन जी इसमें प्लस हो जाता है ये था अपना आई एन जी के कॉन्सेप्ट में पहला नियम आज के लिए अगला जो है नियम अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना समझ में भी आएगा आपको शेयर करना लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है तब तक के लिए बाय बाय ओके okay.